वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव फिटनेस फ्रीक। एंड गाइस, आज हमने आपका शेयर की कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट फॉर इंटीमेटर एंड एडवांस। एंड गाइस, आज का वर्कआउट भी ओनली विद डंबल्स होने वाला है। आप इसको कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, घर में, जिम में, कहीं भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। यू जस्ट नीड अ पेयर ऑफ डंबल। सो गाइस, फॉर द डीले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे अपनी स्ट्रेचिंग एज यूजुअल। अपने हाथों को गाइस आज शोल्डर है, शोल्डर को अच्छे से हम गाइस रोटेट करेंगे। ये देखिए, डंबल प्रेस करते हैं ना, वैसे खाली हाथ कीजिए। अब यहाँ रख के गाइस पूरा रोटेट कर रहे हैं, वैसे पूरा शोल्डर आपका रोटेट हो रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, पूरा अच्छे से रोटेट करना है। आप हम फील भी कर सकते हैं कि हाँ आज स्ट्रेच आ रहा है। देखिए गाइस, अब इसी पोजिशन में गाइस ये लैटरल रेज करनी है अच्छे से। उनको जो भी शोल्डर एक्सरसाइज करते हैं ना, उनको वैसे ही आप परफॉर्म कर लीजिए वाली बिना वेट के। ये देखिए गाइस, अच्छे से करना है बिल्कुल आराम से, प्यार से। अब अपने हाथ खोलिए, ये पुश की समथिंग। अब बिल्कुल स्लो स्लो बिल्कुल हाथ खोल के स्लो क्लॉक वाइज, ये देन एंटी क्लॉक वाइज। ये देखिए भाई, चलिए बस अब बैंड ओके करेंगे अच्छे से। पूरा हाथ घुमाना है क्लॉक वाइज, देन एंटी क्लॉक वाइज। अब सेकेंड हैंड क्लॉक वाइज, देन एंटी क्लॉक वाइज। अपनी एल्बो वाइज, सेकेंड हैंड अपनी एल्बो, आपकी रिस्ट, पैर के ऊपर, हाथ ऊपर, पूरे स्ट्रेस वाइज। देखिए गाइस, चलिए गाइस अब हम लगाते हैं चिन अप्स शोल्डर के लिए। गाइस, कल हम जो लगाई थी वो क्लोज ग्रिप थी बाइसेप्स के लिए, आज हम वाइड लगाएंगे यहाँ से शोल्डर के लिए पूरे के लिए। ये आप गाइस पूरा फेस ऊपर जाना चाहिए, ये डाउन, ये पूरे ऊपर रहे फेस का गाइस, ठीक है ना। ये डाउन एंड ये पूरा फेस का, ठीक है। अब हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज डंबल प्रेस करेंगे अल्टरनेट। गाइस दोनों हाथ ऊपर गए, एक हाथ नीचे आया, एक हाथ ऊपर होल्ड है। अब सेकंड हैंड गाइस नीचे आएगा, फर्स्ट हैंड होल्ड रहेगा। ऐसे टेन टेन रेप्स करने हैं आपने, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। एंड गाइस अब एक साथ कर लेंगे आराम से, वन यहाँ तक बस, टू थ्री फोर फाइव, आराम से करना है, सिक्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सेवन एट नाइन एंड ये टेन। गाइस देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाना है यहाँ तक। अब एक देखिए शोल्डर इक्वल लेवल पे यहाँ पर बस, ये देखिए अब एक शोल्डर में एक लाइन बन जाएगी एक स्केल से, आप देख सकते हैं शोल्डर लेवल पे बस। इसको ड्रॉप नहीं करना है ऐसे, शोल्डर ड्रॉप नहीं करना, यहाँ तक रखना है, यहाँ तक लगाए। आप एल्बो को लॉक नहीं करना है ऐसे, हल्के से बैंड है ये यहाँ तक बस। सो भाई ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे फ्रंट रेज। नॉर्मली गाइस हम फ्रंट रेज में क्या करते हैं, ये होती है हमारी ग्रिप या ये होती है। अब इसे हम दोनों को करेंगे गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ करके। स्ट्रेट गया, रोटेट किया एंड ये डाउन, अप ये रोटेट एंड ये डाउन, गया रोटेट एंड डाउन। गाइस झटके नहीं मारने, ये ऐसा नहीं होना, आराम से सीटिंग करनी है बैठ के। ये देखिए, गया रोटेट, गया रोटेट एंड स्लो डाउन। यहाँ पर साइड में रहेगा, यहाँ नहीं रखना,
बैठे हैं और साइड में रखना डंबल, ये देखिए अप रोटेट एंड डाउन, अप रोटेट एंड डाउन, आराम से देखिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बस गाइस यहां तक ही जाएंगे, यहां तक ये इसको यहां सर के ऊपर ले जाएंगे नहीं है, बस ये आपके फेस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये देखिए यहां तक है, रोटेट किया एंड ये डाउन, रोटेट एंड ये डाउन, रोटेट एंड ये डाउन। सो गाइस ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज फ्रंट रेज। गाइस अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे लैटरल रेज, सीटिंग लैटरल रेज करेंगे गाइस, ये देखिए यहां तक बस। आप गाइस एक एरो देख सकते हैं हाथों के ऊपर, एक एरो स्ट्रेट है गाइस, में बारीकी क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ गए और जो आपकी यहाँ गई लेडी फिंगर, इससे हल्का सा इसको ऊपर रखना है, ये देखिए ये गए, और जो पीछे का साइड पड़ता है इसको हल्का सा अप रखना है, ये देखिए अप रखा ना गई, बस ऊपर का टाइम अप, नीचे टाइम स्लो, यहाँ बस तो फ्री नहीं करना बिल्कुल ऐसे, और झटके नहीं मारने, ये गाइस में ये बॉडी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगी, सिर्फ हाथों से कर रहे हैं, कोई बॉडी को स्विंग नहीं करना आगे की तरफ पीछे की तरफ, स्ट्रेट बैठिए लॉक कीजिए बस, ये गए हल्का सा ऊपर की तरफ किया एंड ये डाउन, ये हल्का सा ऊपर किया एंड ये डाउन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और ये बस डाउन एंड ये अप, होल्ड रखना है, स्लो लाना है, झटके नहीं मारने, आप इतना भी लिफ्ट मत करना कि आपको ये करना पड़े, इसमें कोई फायदा नहीं है, लोअर बैक इंजरी होने चांस है, शोल्डर से हट जाएगा, सिर्फ आपकी बैक पे आएगा प्रेशर, इससे मिलते जुलती ही गाइस है, थोड़ा फर्क है आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, मैं क्लियर कर दूंगा, आप ये बेंड हुए डंबल ग्रिप पहले ऐसी थी ना अब ये है, और गाइस डंबल आगे की तरफ रहेंगे शोल्डर के पास, ये देखिए अब गाइस आप देखिए सामने की तरफ है, ये देखिए मैं आपको सिंगल हैंड दिखाता हूं एक बारी, ये देखिए यहां से क्या गाइस हमारे रियल डेल्ट के ऊपर आ रहा प्रेशर, और जब यहां से हम करते हैं गाइस ये हमारी बैक पे आता है, माइनर सा फर्क होता है ग्रिपिंग का, हमारी पोजीशन का, उससे हमारी अलग मसल एक्टिवेट होती है, मैं आपको यही कहता हूँ एक्सरसाइज को बारीकी समझा करो, ग्रिपिंग को हमारी अलग मसल एक्टिवेट होती है, ट्रेन होती है। तो गाइस हम शोल्डर कर रहे हैं रियल डेल्ट की, ये बेंड हुए चेस्ट आउट है बैक स्ट्रेट है, बोलिएगा ये देखिए झटके नहीं मारने, ये लोअर बैक गाइस बहुत ज्यादा इंजरी हो जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी बेंड है, झटके मारेंगे तो आपके लोअर बैक इंजरी होगी ही होगी, तो प्लीज बी केयरफुल डाउन, ये बस आराम से भाई, ये क्या है हमारे शोल्डर को रोटेट राउंड बनाने के लिए, जो हमारा राउंड होता है शोल्डर का साइज बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है रियल डेल्ट के लिए, जो हम बिहाइंड द नेक करते हैं या रियल डेल्ट फ्लाई करते हैं गाइस, ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है शोल्डर को रोटेट करने के लिए, राउंड बनाने के लिए और एक साइज बनाने के लिए। तो गाइस ये थी हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज रियल डेल्ट फ्लाई। सो गाइस अब हम अपने लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे शर्क सिटिंग शर्क, बैठ करेंगे गाइस हम,
भाई इसमें क्या आपको जो झटके नहीं मारने, जो गलती करते हो ये गाइस, कोई मसल एक्टिवेट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आपको स्ट्रेच एंड स्क्वीज करना है। ये गाइस देखिए आपकी जो बैक है पहले उसको एक्टिवेट कीजिए, ये बैक होगी, ये अब ये स्ट्रेच एंड ये आराम से पहले बैक की पूरी पीछे की, ये बैक एंड ये अप एंड ये स्लो, ये बैक ये अप एंड ये स्लो। हमने क्या मतलब पीछे आके दिखाई गए, पीछे देखिए पूरी बैक हुई गई, ये बैक करी, ये अप एंड ये स्लो, बैक ये अप स्लो, ये स्ट्रेच किया। नीचे आ गया जब पूरी जो आपकी ट्रैक्स मसल है गाइस, इसको पूरा स्ट्रेच करना है आपको यहाँ से। तो भाई ये देखिए ये बैक ये अप ये चला के पूरा स्ट्रेच आराम से करना है, कुछ झटके का इसमें कहाँ ट्रैप्स हो रही है भाई, खुद सोचिए। ये बैक अप स्ट्रेच, ये अप स्ट्रेच स्क्वीज करना अपनी पूरी इसको ट्रैप्स को चलाए एंड ये स्ट्रेच बैक अप एंड ये लास्ट में। तो भाई ये थी हमारी लास्ट की एक्सरसाइज ट्रैप्स के लिए, ट्रेपीजियस मसल हमारी इसके लिए जो कॉलर बोलते हैं इसको, उसके लिए आज की हमारी लाइफ एक्सरसाइज लास्ट थी डंबल का था शोल्डर की। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में इस बेल आइकन को जाना मत भूलना ताकि फ्यूचर में जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड गाइस आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, राधे राधे।